पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त देते हुए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के सामने श्रीलंका ने 342 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 5वें दिन 6 विकेट गवाते हुए हासिल कर लिया। अब इसी जीत के साथ पाकिस्तान की टीम को ICC टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में जबरदस्त उछाल मिली है। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान की इसी जीत के साथ ही टीम इंडिया को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की राह अब मुश्किल नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब भारतीय टीम के पास टेस्ट चैंपियनशिप में 6 टेस्ट मुकाबले बचे हैं, जिसमें से 4 मैच ऑस्ट्रेलिया तो वहीं 2 टेस्ट मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाएंगे। अगर भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है तो उन्हें आगामी 6 के 6 टेस्ट मुकाबले अपने नाम करने होंगे, तभी टीम इंडिया फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज भारतीय सरजमी पर खेली जाएगी, वहीं बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम को दौरा करना होगा। इस समय टीम इंडिया ने 12 टेस्ट मैचों में 6 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 2 टेस्ट मैच ड्रॉ की भेंट भी चढ़ गए। भारत के अंक तालिका में पेनल्टी पॉइंट -5 होने की वजह से भारत 4थे स्थान पर है। पहले या दूसरे स्थान पर आने के लिए टीम इंडिया को अब सारे टेस्ट मुकाबले जीतने की जरूरत होगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो टीम के नाम 4 जीत हैं और 2 हार, लेकिन अब अगर अगले टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मात दी तो एक बार फिर से अंक तालिका में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। श्रीलंका ने अगर दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की तो वो अंक तालिका में लंबी छलांग लगा देगा। श्रीलंका इस समय अंक तालिका में 6ठे पायदान पर है और एक जीत के साथ टीम सीधा 3रे पायदान पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया तो वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच के अंतर को कम कर लेगा, साथ ही फाइनल के लिए अपनी दावेदारी ठोक देगा। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान को रोकने के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका कितना दम लगाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीता तो इसमें टीम इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं टीम फाइनल की दौड़ के लिए बाहर होती भी दिखाई देगी, क्योंकि भारत को आने वाले 6 के 6 टेस्ट मुकाबले जीतना जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान का टेस्ट में हारना भी जरूरी हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया के साथ।